आइंदा माह आवाम पर पेट्रोल बम गिराए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का तखमिया ऊपर की जाने सिर्फ इस वजह से लगाया कि शराय मुबादला आमदोज हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक 1 अगस्त 2022 से आवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 17 रुपए प्रति लीटर तक इजाफे का सामना हो सकता है। तहम इजाफे का तखमिया ऊपर की जानब सिर्फ इस वजह से लगाया गया कि शराय मुबादला डामाडोल हो चुकी है। सनअती जराए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए और डीजल की कीमतों में 16 से 17 तक इजाफे का पेट्रोलियम लेवी टोल शामिल किए बगैर लगाया गया। अगर हुकूमत पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाती है तो फिर गैस की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 23 रुपए प्रति लीटर मुतवज्जे है। ओबीटीवी ग्लोबल से अभी तक के लिए मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। आइंदा माह आवाम पर पेट्रोल बम गिराए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का तखमिया ऊपर की जानिब सिर्फ इस वजह से लगाया कि शराय मुबादला डामाडोल हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक 1 अगस्त 2022 से आवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 17 रुपए प्रति लीटर तक इजाफे का सामना हो सकता है। तहम इजाफे का तखमिया ऊपर की जानब सिर्फ इस वजह से लगाया गया कि शराय मुबादला डामाडोल हो चुकी है। सनअती जराए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए और डीजल की कीमतों में 16 से 17 तक इजाफे का तखमिया पेट्रोलियम लेवी को शामिल किए बगैर लगाया गया। अगर हुकूमत पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाती तो फिर गैस की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 23 रुपए प्रति लीटर मुतवज्जे है। ओबीटीवी ग्लोबल से अभी तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।